आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इस साइट पर अगर जाते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पर आपको दिखाई देंगे पोर्टल दीक्षा, स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा टीवी। इनमें डिफरेंस है, आगे चल के थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में फोकस करेंगे कि स्वयं पोर्टल क्या है और स्वयं टोटल इसके फीचर्स क्या हैं, और जिस पर मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। रेडियो, ई कंटेंट, ऑनलाइन कोचिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम और हिंदी, हम फोकस करेंगे स्वयं प्रभा पर, स्वयं पर, है ना। स्वयं को देखना, हिंदी में साथ साथ में कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। इसकी फुल फॉर्म लगता हमें यह है कि स्वयं एक हिंदी शब्द है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये फुल फॉर्म नॉर्मली एंट्रेंस टेस्ट या किसी भी क्वेश्चन में इजीली पूछी जाती है। इसके अलावा इसको समझना है तो आप MOOC वाली वीडियो अगर आपने पहले देखी है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो 2008 में इसका जन्म हुआ था, और उसमें क्या था कि ये इंटरनेशनली है और स्वयं जो है प्योरली इंडियन है, और इंडियन और अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान को भी इस पे शामिल किया गया है, इन देशों के लर्नर्स के लिए है। कुछ लर्नर्स, कुछ स्टूडेंट्स स्कूलिंग पूरी नहीं कर सके, कुछ कॉलेज नहीं पूरा कर सके, कुछ यूनिवर्सिटी पूरा नहीं कर सके, मीन कुछ सर्टिफिकेट कोर्स नहीं ले सके, डिप्लोमा कोर्स नहीं ले सके, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स पूरे नहीं कर सके, किसी का इंटरेस्ट था कि और पढ़ना है लेकिन नहीं पढ़ सके, कुछ लोग प्रोफेशनली डेवलप होना चाहते थे, लर्निंग लगातार करना चाहते थे, कुछ लोग लर्निंग प्लस सर्टिफिकेट लेना चाहते थे, कुछ लोग इतने पिछड़े हुए ज्योग्राफिकल एरिया में थे कि वहां तक स्कूल या एजुकेशन पहुंच नहीं सकी, जहां वो एजुकेशन तक पहुंच नहीं सके, जिनको हम सोशली डिसएडवांटेजेस सेक्शन कहते हैं। तो इन सभी लोगों के लिए जो लर्निंग गैप पड़ गए थे, एजुकेशन के गैप पड़ गए थे, उसको फिल करने के लिए जिनके पास डिजिटल, वर्चुअल, कंप्यूटर, ऑनलाइन टीचिंग या एजुकेशन नहीं पहुंच सकी थी, उन तक एजुकेशन को पहुंचाने के लिए, लर्निंग को पहुंचाने के लिए स्वयं का जन्म हुआ ऑन द लाइन ऑफ MOOC। तो इंडिया में दो MOOC प्लेटफॉर्म है, पहला प्लेटफॉर्म है NPTEL, इस वीडियो में इसकी बात नहीं होगी, दूसरा है स्वयं, जिसकी फुल फॉर्म हम ऊपर कर चुके हैं। फुल फॉर्म पर फोकस करते हुए इतनी बात बताता हूं, जब स्टडी वेब है इसको टुकड़े करके समझना है, स्टडी वेब है और एक्टिव लर्निंग है, दूसरा मैंने ऐसे किया है कि एक्टिव लर्निंग है, और तीसरा यंग एस्पायरिंग माइंड, ये लास्ट वाली फ्रेज जरूर याद रखनी है। अब यंग वर्ड आया है तो ये बात आती है कि किन लर्नर के लिए है, क्या ये प्री प्राइमरी, प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल के लिए है। जब स्कूल ऑप्शन आता है तो टिक होगा, लेकिन स्कूल में नाइन्थ क्लास से ये शुरू होगा और कॉलेज यूनिवर्सिटी की पोस्ट ग्रेजुएशन क्लास तक ये कोर्स ऑफर करेंगे। तो स्कूल का हायर यंग वाला पार्ट लिया है, बाकी तो यंग है ही है, दैट इज वाई यंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस एब्रिवेशन। अब ये देख लें कि इनिशिएटेड, ये मैंने कलर किया है, कलर वाला पॉइंट आपने याद रखना है और मेन इंफॉर्मेशन है। ये एंट्रेंस टेस्ट वालों के लिए जो इजी वाले हैं, शुरू वाली इंफॉर्मेशन, और जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है लास्ट वाली इंफॉर्मेशन उनके लिए एसेंशियल होगी। इनिशिएटेड बाय MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MHRD को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है, नेशनल पॉलिसी 2020 में, ये आपको बात पता है। जब इनिशिएटेड पूछा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, अगर डेवलप्ड पूछा जाए कि स्वयं को डेवलप किसने किया, इंडिजीनियसली, है ना, हमने ही किया है, और AICTE इसका आंसर होगा। AICTE की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब मैं क्या करता हूं, किसी भी एब्रिवेशन को याद करना होता है तो मैं उसका वो शब्द निकाल लेता हूं जो सबसे भिन्न है। यहां पर यंग एस्पायरिंग माइंड था और यहां पर किसने डेवलप किया, टेक्निकल बात है ना, कंप्यूटर, ICT, टेक्निकल एजुकेशन, है ना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। कब किया था, 2016 में। दो क्वेश्चन अलग बन रहे हैं, डेवलप कब किया था 2016 में, डी
डेवलप इसको मैंने उल्टा किया, ये 16 बन गया, मैंने ऐसे याद रख लिया। अच्छा लॉन्च कब हुआ था, एल है ना, लॉन्च हुआ था, इसको मैंने उल्टा कर लिया, इसका 7 बन गया, जो ये हुआ था 2017 में 9 जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ था। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, इसको लॉन्च किसके द्वारा, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे श्री प्रणब मुखर्जी जी, ये क्वेश्चन बनता है। ऑफिशियल वेबसाइट यहां से आप नोट कर सकते हो, swam.gov.in। टोटल कोर्सेज तो इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन दिसंबर 2022 तक 2150 के करीब कोर्सेज इस पर, इट मींस के मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है ना, तो मैसिव मीन लार्ज नंबर है, ये लार्ज नंबर हो रहा है। मूक प्लेटफॉर्म ऑफ स्वयं इज अमंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। अच्छा इंटरनेशनली और कौन से मूक जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं बहुत ही फेमस हैं, उनमें है नंबर एक कुर्सेरा, एडेक्स, फ्यूचर लर्न। नेक्स्ट है सीखने का तरीका, मोड ऑफ लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट फिर बन जाता है। स्वयं पोर्टल एक तो है जो मैं पीछे दिखा के आया हूं, स्वयं ऐप है नंबर दो, और तीसरा है स्वयं प्रभा DATH चैनल्स, 34 चैनल हैं। देखिए इस पर अलग से वीडियो होगा स्वयं प्रभा क्या है, लेकिन यहां स्वयं और स्वयं प्रभा का कोऑर्डिनेशन है, तो इट मींस अगर टेलीविजन ऑप्शन आता है कि टेलीविजन के जरिए स्वयं चलता है तो यस होगा। इसके अलावा जो स्वयं पोर्टल और एप्स हैं वो कंप्यूटर मोबाइल हर जो ICT ऑपरेटर्स है उस पर इंटरनेट होना चाहिए, उस पर चल जाती है। अच्छा यहाँ 34 लिखा भी हुआ है स्वयं प्रभा DTH चैनल लाभार्थियों के लिए। बेनिफिशियरी कौन है, किन किन को स्वयं का लाभ होता है, स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 9th टू पोस्ट ग्रेजुएशन MA MSc वगैरह है ना, तो यहाँ पर पोस्ट या डॉक्टरल वहाँ उसकी कोई बात नहीं की गई, तो 9th और 10th आ गया स्कूल और उसके बाद कॉलेज और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट बिलोंगिंग टू किस किस को लाभ होता है, नंबर एक तो स्ट्रीम कौन कौन सी इसमें शामिल है, आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट, मेडिसिन, ह्यूमैनिटीज, लॉज, एग्रीकल्चर, सभी, दैट इज वाई कॉम्प्रिहेंसिव। आगे चल के शब्द भी आएगा फॉर ऑल, अफगानिस्तान। अच्छा स्टूडेंट इन अफगानिस्तान 2019 में केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान में शैक्षिक संस्थानों के छात्रों और शिक्षकों को स्वयं मूक पाठ्यक्रम में नामांकन और उपयोग करने की अनुमति दी है, इट मींस अब अफगानिस्तान के लर्नर भी इसमें शामिल है। अच्छा एम क्या है, अचीव क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्की बात है कि ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 3 प्रिंसिपल्स है जिनको अचीव करना चाहते हैं स्वयं के जरिए इंडियन एजुकेशनिस्ट। फर्स्ट इज असेस, ये ऑप्शन होगी असेस के सभी तक पहुंच सके। दूसरा इक्विटी, जिस तरह जो पिछड़ गए हैं, जो पीछे रह गए, बेशक वो डिसेबल्ड हैं, बेशक वो ज्योग्राफिकल बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं, बेशक वो सोशली डिसएडवांटेजेस हैं, बेशक वो इकोनॉमिकली वीक हैं, मतलब फीस नहीं दे सके, दैट इज वाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये एम अचीव करना इक्विटी। और क्वालिटी, नीड जो लर्नर की है वो अच्छे से बेटर और बेस्ट लर्निंग और टीचिंग की तरफ जाना है, तो ये मैं एम अचीव करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट इज टू टेक बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं टू ऑल है ना, इंक्लूडिंग मोस्ट डिसएडवांटेजेस। अच्छा स्वयं का दूसरा एम क्या है कि डिजिटल रेवोल्यूशन आया, मतलब कि हर शायद स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा, हर के नहीं, के हाथ में मोबाइल फोन आ गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बच्चे ऐसे रहे जिनके हाथ में डिजिटल डिवाइस जाए, जो वो डिजिटल रेवोल्यूशन आने के बाद भी लर्निंग अचीव नहीं कर सके, एजुकेशन गेन नहीं कर सके, तो वो गैप जो पड़ गया था उसको इन्होंने लिखा है टू सीक द ब्रिज द डिजिटल डिवाइड ऑफ स्टूडेंट, जो उस वो ICT रेवोल्यूशन के बाद भी अनटच्ड रहे हैं, उनको पूरा करने, वहां तक पहुंचने के लिए इक्विटी के साथ ये बिल्कुल एम अचीव हो रहा है, तो ये स्वयं को डेवलप किया गया। वो जो पछड़ गए थे उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए स्वयं को शुरू किया गया है। मोटो क्या है स्वयं का, शिक्षित भारत उन्नत भारत, ये पूछा जा सकता है, एजुकेटेड इंडिया एडवांस्ड इंडिया। स्कोप क्या है,
पीछे भी बात करके आए, होस्टिंग ऑफ ऑल द कोर्सेज, डिफरेंट कोई एरिया नहीं छोड़ा, टॉट इन क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक, और एनी वन सभी के लिए है, एनी वियर कोई भी ज्योग्राफिकल, पहाड़ है, रेगिस्तान है, कहीं भी है, और एनी टाइम इट मीन्स 24 आवर है। इसकी नेचर क्या है, ऑल द कोर्सेज आर इंटरएक्टिव, इंटरैक्शन, ये नहीं है कि वन वे प्रोसेस होगी कि टेलीविजन में ये शख्स बोल रहा है और ये बैठा यहाँ पर सुन रहा है, नहीं, ये इंटरेक्शन कर सकते हैं, इनके जो डिस्कशन फॉरम बन जाते हैं, लर्नर आपस में इंटरेक्ट करना चाहते हैं, असाइनमेंट एक्सचेंज करना चाहते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करना चाहते हैं, थिंकिंग को शेयर करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल है। बेस्ट टीचर के द्वारा प्रिपेयर किया जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट को ऐसे नहीं लेना, अगर आपने सर्टिफिकेट लेना है तो आपको कुछ क्लासेस शायद फिजिकली भी अटेंड करके थोड़ी सी फीस देके फिर वो सर्टिफिकेशन होती है, सर्टिफिकेट मिलता है और उसके क्रेडिट भी ट्रांसफर होते हैं, वो आगे चल के समझते हैं। एक्सपर्टाइज, मोर देन 1000 स्पेशली चूजन फैकल्टी एंड टीचर फ्रॉम द अक्रॉस द कंट्री में से लिए जाते हैं, हैव पार्टिसिपेटेड इन प्रिपेयरिंग दीज कोर्सेज, इट मीन्स कोर्स को एक्सपर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्वालिटी वाला जो थर्ड प्रिंसिपल था वो इसके साथ अचीव होगा। स्वयं के चार आस्पेक्ट, जहां चार आयाम हैं, किस किस के जरिए ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, फर्स्ट इज, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वीडियो लेक्चर, दूसरा स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल, मैं रीडिंग मटेरियल को सिर्फ एनसर्कल कर रहा हूं, है ना, जिसको डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकता है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्विजेज, तो मैं सेल्फ असेसमेंट के साथ टेस्ट ये लिख रहा हूं, अब क्या हो गया, वी ये हो गया वीडियो लेक्चर, और आर रीडिंग मटेरियल, और टी ये हो गया, और चौथा है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, इसको डाउट क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। वीडियो लेक्चर लिखा, यही याद रखा, और वीडियो के डी से डिस्कशन फोरम एंड डाउट्स लिख लिया, और टी से टेस्ट लिख लिया, और आर से रीडिंग मटेरियल लिखा, वीडियो लेक्चर के साथ बाकियों को जोड़ के मैंने लर्न कर लिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर ही लिखा है कि ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं कि लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर करना है, कैसे करना है लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर, ऑडियो वीडियो एंड मल्टीमीडिया एंड स्टेट ऑफ आर्ट पेडागोजी एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी को यूज करके कोऑर्डिनेशन के साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इनके कोऑर्डिनेटर्स कितने हैं, 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं इनके, वो 9 मेनली एजुकेशनल बॉडीज या एजेंसीज हैं, इनको भी साथ में ऊपर कर लें, यहां पर आंसर होगा 9 कोऑर्डिनेटर्स। इस पर इनडेप्थ क्वेश्चन भी बन सकते हैं लेकिन यहां पर ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। फुल एजुकेशन, NIOS, NCERT और आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, इग्नो एंड निटर, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, NPTEL, ICTE, CEC, CEC के सी बहुत डिफिकल्ट लगा था, डिफिकल्ट मीन अंडर ग्रेजुएट, मैंने मुझे ऐसे भी याद रहा, डी उसमें आ रहा है ऐसे भी याद रहा, है ना, IBMM, M का मैनेजमेंट है, इधर पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन NPTEL, इधर भी NPTEL, AICTE, इधर भी AICET है, इधर IIMB है, इधर भी IIMB है, और इधर सिर्फ CEC है अंडर ग्रेजुएट में, ये अंडर ग्रेजुएट में, ये अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से नीचे है जो ना, तो 3 साल का करते हैं ना हम कोर्स, 1 साल 2 साल 3 साल, तो मैंने 3 साल का भी ऐसे भी याद रखा, CEC 3 इसमें आते हैं, 3 साल इसमें आते हैं, ऐसे से एसोसिएट कर लिया। यहाँ पर UGC हमें पता ही है कि PG कोर्स इसका ही है, ग्रेजुएट भी कराते हैं लेकिन यहाँ एसोसिएट किया है। सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेट कैसे मिलते हैं, ये बात हम कर चुके हैं कि ये सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कोई लर्नर सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो उसको रजिस्टर पड़ेगा फाइनल एग्जाम, प्रोटेक्टेड एग्जाम के लिए, इसके लिए उसको थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी और अटेंड इन पर्सन, ये सबसे डिफरेंट है, मीन अगर सर्टिफिकेट लेना है किसी बच्चे ने तो उसको थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी और कुछ क्लासेस इन पर्सन अटेंड भी करनी पड़ेगी जो डेजिग्नेटेड जो सेंटर उनको अलॉट किए जाएंगे।
थी स्पेसिफिक डेट पर। यहां पर फॉर्मल ट्रेडिशनल एजुकेशन का ये फीचर के साथ जोड़कर समझा जा सकता है। एलिजिबिलिटी फॉर द सर्टिफिकेट विल बी अनाउंस्ड ऑन द कोर्स पेज, कोर्स पेज पर लिखा होगा कि ये वाले शख्स जो हैं जिन्होंने इतने इतने क्रेडिट या इतनी इतनी क्लासेज या ये किया है पास, वो उनके लिए एलिजिबल है। एंड लर्नर्स विल गेट सर्टिफिकेट ओनली इफ दिस क्राइटेरिया इज मैच्ड। इट मीन्स फीस, पर्सनल अटेंडेंस थोड़ी सी और क्राइटेरिया मैच, ये तीन बातें बनी हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट ट्रांसफर। पहले क्रेडिट को समझ लेना चाहिए। क्रेडिट को समझना है तो वो यूनिट जिसके साथ आपका कोर्स वर्क मैयर किया जाता है यूनिट। तो अगर ये भी समझ नहीं आया का वर्कलोड जो था वो आपने कितना उठाया है कोर्स का, ये भी समझ नहीं आता हाउ मच यू हैव स्टडीड इज मैयर्ड, वो कैसे मैयर किया जाता है, वो क्रेडिट आवर से मैयर किया जाता है। अगर वो भी समझ नहीं आया तो आप ये समझ लीजिए क्रेडिट मीन क्रेडिट आवर और क्रेडिट एकेडमिक आवर कि आपने कितने आवर्स कोई कोर्स की क्लासेस अटेंड की है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक 3 साल के कोर्स के लिए मान लीजिए 140 क्रेडिट आवर चाहिए है ना किसी कोर्स या किसी कंट्री में, ये कम से ज़्यादा हो सकते हैं। 4 साल के लिए मान लीजिए 180 हैं, जहाँ किसी कंट्री में 120 हैं 3 साल के लिए 2 साल के लिए, तो वो आवर आपको पूरे करने का होते हैं, ये आपका जो कंडीशन है। अगर आपने क्लासेस लगाई हुई हैं वो क्रेडिट हैं, तो वो क्या क्रेडिट मेरे ट्रांसफर किसी और संस्था में हो सकते हैं और जगह हो सकते हैं, तो वो फीचर स्वयं ने एक्सेप्ट कर लिया है सीजन यूजीसी ने एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जिसने इसको डेवलप किया था। फॉलो करेंगे किसको, कि यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं वो स्वयं के क्रेडिट्स को एक्सेप्ट करेंगे। जिन्होंने स्वयं का कोर्स और सर्टिफिकेट गेन किया है तो वो यूजीसी के साथ एफिलेटेड यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपने क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकता है। पर लेकिन अभी ये काम चल रहा है यूजीसी का कि वो ऐसे कोर्सेज को क्वालिटी क्राइटेरिया के बेस पर आइडेंटिफाई करे जिनका ट्रांसफर हो सकता है, जो क्राइटेरिया से नीचे हैं उनकी ट्रांसफर क्रेडिट जो नहीं होगा। रेगुलेशन 2016 एडवाइजिंग टू द यूनिवर्सिटी टू आइडेंटिफाई द कोर्स वेयर द क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड आपका सेंट्रल बनना है, टोटल उसमें ऐड हो जाने हैं। पॉइंट है क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद। पहले तो ये इंग्लिश में थे लेकिन अब ये 10 भाषा ऐसी चुनी गई हैं जिनमें स्वयं और स्वयं प्रभा के पर जो टेलीविजन प्रोग्राम चलते हैं उनको ट्रांसलेट किया जाएगा। स्वयं और स्वयं प्रभा जो पीछे बात करके आए हैं भाषाओं में 10 भाषाओं में, तो लिमिटेड टाइम दिया गया है कि इतने टाइम में इन प्रोग्राम्स को किन किन भाषाओं में, जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, मराठी है। ये कोर्स कौन से होंगे, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, लॉ, मैनेजमेंट। लास्ट पॉइंट, जो करंट स्वयं प्लेटफॉर्म है वो डेवलप किसके द्वारा किया गया है। नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नंबर 2 NPTEL, नंबर 3 IIT मद्रास विद द हेल्प ऑफ गूगल एंड असिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। तो ये एजेंसीज हैं जिन्होंने मिलके जो प्रेजेंट स्वयं को डेवलप किया है, स्वयं के बारे में अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए, टेस्ट करने के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन की जरूरत है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लिंक नीचे दिया गया है, आप उस वीडियो में आए क्वेश्चन के जवाब देकर इस में जो नॉलेज ली है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ जो नॉलेज है वो इसी इंफॉर्मेशन से रिपीट करके बनाई जाएगी, तो वो वीडियो देखने से इस वीडियो में प्राप्त इंफॉर्मेशन की एक्सटेंशन होगी। दीक्षा पर, स्वयं प्रभा पर, स्ट्राइड पर, डिजिटल प्रोग्राम जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से चलाए गए हैं उन पर ऐसे वीडियो मिलेंगे। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।